इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है, उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल वो होगा और नॉन बेलेबल होगा, यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और एक साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है, 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, 50,000 से 2,00,000 रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजुरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 months to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1,00,000 से 5,00,000 तक है, तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनके क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है, लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी, इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है मोदी सरकार ने यह महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं,
वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2,00,000 बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं, 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई, उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि ये गंभीर संकट है, ये चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए, और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी, आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं उनको लगाना चाहिए, इसके अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के आरोग्य परिवार का ही पूरा ख्याल रखने का सरकार का मनोदय है और यही मनोदय आज के इस अध्यादेश से साबित हुआ है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अप्रूव्ड प्रमोलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity, including doctors, nurses, paramedics, up to ASHA workers. Everybody get protected, because what we have seen, when they are doing a yeoman's job, when they are doing the most crucial duty for the country, at some places they are being attacked and some places their property is damaged, and at many places they are being looked upon as the carriers of the COVID-19. So be it harassment or be it criminal offense against them in form of violence, for this government it's a zero tolerance area. We will not allow this to happen in this civilized society.
And therefore, the ordinance proposes that within 30 days, the investigation will be over. Within 1 year, the decision of the case will be, the final decision will come. And the punishment ranges from 3 months to 5 years, and fine from 50,000 rupees to 2 lakh rupees. And in severe cases, where severe, serious injuries, grievous injuries have taken place, the punishment starts from 6 months to 7 years, and fine start from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees. Today, in the morning, Home Minister Amit Shah and Dr. Harshvardhan, the Health Minister, they had video conference with all medical fraternity representatives. And they promised that here is the government which will protect them and which appreciates and salutes their human services for the country. As Amit Shah ji or Harshvardhan ji, Arogya Mantri, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने आज ये जो वैद्यकीय परिवार के प्रतिनिधि है उनके साथ स्वास्थ्य परिवार के लोग सभी प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, देश भर के अनेक लोगों से बातचीत हुई और उसमें आश्वस्त किया गया कि आपका ध्यान सरकार रखेगी और आप पर कोई हिंसा या कोई अपमान का प्रसंग नहीं आएगा, कोई हैरेसमेंट नहीं होगा। और इसलिए अभी केंद्रीय कानून भी है, एनएसए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, फिर भी ये अध्यादेश लाने का फैसला किया। And today, as you know, for last 3 months, government is super active on the front of providing best services. And already all the health fraternity has been provided with 50 lakh rupees insurance per head. The difficulties in Ayushman treatment in unempaneled hospital are also already removed. COVID hospital, which was zero, is now 700 plus. Isolation bed nearly 2 lakh. Ventilators nearly 15,000. PPEs and N95 mask, which was not produced in our country for 70 years, now are produced in our country, make in India. And that is also happening, and ventilators. Friends, there was another decision to increase the subsidy on phosphatic and potassic fertilizers for year 2021. Now, this year, government will incur expenditure in form of subsidy is 22,186 crores. So that's another decision. And phosphatic. The subsidy, which is a regular scheme, this year it will be more than last year, and 22,186 crores will be. How much is the increase, sir? Increase is nearly 5 to 7%, and more importantly, this is, as you know, there were post facto sanction of 15,000 crore package, a special package for fighting COVID, and promulgation of Indian Medical Council, Central Council, and Homeopathic Central Council
ordinances. So these are the issues today. Thank you very much. Thank you, sir. Economic package, as and when designed, will come to you straightly, separately. So we can take some questions, if any. Otherwise, okay, Prashant, 35. दो सवाल है सर. पहला सवाल ये कि एक तो कैबिनेट से नहीं जुड़ा है सर, चाइनीज किट्स की में बड़ी खामी पाई गई है. क्या आप लोग को लगता है कि जो किट्स आई थी वो ठीक नहीं थी और इसलिए उसमें इतनी खामियां पाई गई हैं? कई स्टेट्स में उस पर उसकी जांच भी रोक दी गई है. दूसरा सवाल जो ये सर डॉक्टरों के लिए आया है सर, क्या ये हमेशा के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी मेजर है केवल कोरोना के समय के लिए, या हमेशा के लिए उन पर जब भी हमला होगा तो ये कानून रहेगा? नहीं, पहले तो ये बात है कि यह अभी एपिडेमिक कानून के तहत बनाया है, बट एक अच्छी शुरुआत है. और दूसरा है, जहां तक आईसीएमआर ने बताया है कि ऐसा नहीं कि जो किट्स आए हैं उसका काम ही केवल इतना है, उसका काम ही इतना है. हाँ, ICMR has prepared the protocol for using rapid antibody test to all states. सभी राज्यों को ICMR ने कैसे एंटीबॉडी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करें यह बताया है. यह टेस्ट नहीं है, टेस्ट कोविड है कि नहीं यह तय करने वाली टेस्ट अलग है, वो RT-PCR बोलते हैं उसको. RT-PCR इज द टेस्ट टू डिसाइड वेदर somebody इज हैविंग कोरोना इन्फेक्शन और नॉट, दैट इज डिफरेंट, वो अलग है. और ये जो एंटीबॉडी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सर्वेलेंस का टूल है एक तरह से, एक हथियार है. लोगों की पहले ही एक बार शिनाख्त हो जाए, और दुनिया भर में ऐसा ही उसका उपयोग होता है. और ये देखते हैं कि किसी के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं क्या, ये देखते हैं. ये उसका एक लिमिटेड काम है. तो यही लोगों को लगा कि एक खेप में कोई गड़बड़ हुआ, या ऐसा मुद्दा नहीं है. ये मुद्दा एंटीबॉडी टेस्ट का उद्देश्य अलग है, वो कोविड तय करने का टेस्ट नहीं है. मिस्टर रविंद्र कुमार, प्लीज यूज माइक. जमाने के जो कानून था 1897, उसमें जो बदलाव किया गया अध्यादेश द्वारा, क्या उस कानून में डॉक्टरों या नर्सों के ऊपर पहले किसी तरह के हमले में कोई सजा का प्रावधान था, या नया प्रावधान है पहली बार लाया गया? गुड क्वेश्चन. तो अध्यादेश आने के बाद आपको भी पता चलेगा. ओके, 261. सर, जो आपने बताया ICMR वाला, उसी से जुड़ा हुआ है कि ICMR ने रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी थी, तो अभी स्टेटस क्या है? अभी क्या जांच के लिए बोल दिया है कि अभी रोक बरकरार है? हाँ, अच्छा होगा. एक नई व्यवस्था के तहत आज दोपहर 4 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री का नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ. कि आज नहीं है. अब व्यवस्था ऐसी होगी कि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, और बुधवार को कैबिनेट का ब्रीफिंग होगा, और शनिवार रविवार को प्रेस रिलीज आएंगे ही. तो आज भी ICMR का प्रेस रिलीज है, आपको मिलेगा सर. 110. प्रकाश जी, मैं मनीषा हूँ TV9 से जी. चूंकि कैबिनेट ने आज हेल्थ को लेकर ही फैसला दिया, तो क्या इस बात पे भी चर्चा हुई? बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लगातार पेशेंट कह रहे हैं कि हमें सर्जरी करानी है, हम करा नहीं पा रहे हैं. अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कंफ्यूजन है. कोई कह रहा है कि कोविड टेस्ट अनिवार्य नहीं है, कोई कह रहा है कोविड टेस्ट हो सकता है, एम्स की भी OPD बंद है. ऐसा है, एक महामारी जब आती है पूरे विश्व में, अनेक देशों में क्या स्थिति बनी है वो हम देख रहे हैं. भारत की स्थिति तुलना में ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो जीरो होने तक का है, और इसलिए
शुरू में लोगों को कन्फ्यूजन्स हुए, लेकिन रोज 24 आवर्स काम चलता है इस सरकार में, और इसलिए कैबिनेट सेक्रेटरी की सभी चीफ सेक्रेटरीज के साथ रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और उसमें उनको जो भी किसी की दिक्कत होगी या कोई सवाल भी होंगे उनके सारे उत्तर मिलते हैं। तो अभी मुझे लगता है कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। 55 सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। जी, चीन ने कहा है कि वो भारत की जो भी शिकायतें रहेंगी उसको देखेगा, चीनी दूतावास का बयान है उनकी प्रवक्ता की तरफ से। क्या चीनी दूतावास के प्रवक्ता का बयान है, क्या भारत की तरफ से जिन किट्स में समस्याएं आई हैं उसको लेकर चीन से संपर्क किया गया है दूतावास के माध्यम से? ऐसा है, आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो कल के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर मिलेगा या विदेश मंत्रालय उसके बारे में बता सकता है। मैं अपने आज जो ICMR का प्रेस स्टेटमेंट है, रिलीज है, जो आपको देना है, उसके बारे में मैंने बताया। मिस्टर सुनील प्रभु। सुनील सर, जस्ट यू नो अबाउट बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यू ऑल हैव ऑलरेडी टेकन अ पे कट ऑफ 30%, वी वर टोल्ड दैट अ प्रपोजल वाज गिवन, हैज इज इट बीइंग केप्ट अंडर रैप और इज इट बीन क्लियर्ड इन द कैबिनेट फॉर द 4% विदहोल्ड ऑफ द DNS allowance, and is this only the arrears will be paid later when India improves its financial position, or what is the decision on that? हम जो निर्णय लेते हैं, जो बताते हैं, और निर्णय जैसे जैसे होते जाएंगे बताते जाएंगे। अशोक ANI। सर, अभी ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि हवाई यात्राएं की शुरुआत कब से होगी, और अगर हो रही है तो इसको लेकर क्या घोषणा और क्या तैयारियां हैं? कोई बेलआउट पैकेज की भी चर्चा चल रही है क्या इस लॉकडाउन के बाद? ऐसा है, अभी हवाई यात्रा कब शुरू होगी इसका कोई फैसला